हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल गेम में स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो उनको शुरू किया जाएगा और वन बाय वन सभी प्रश्नों को देखा जाएगा। और आपको दिया जाएगा 3 सेकंड का टाइम, और उस टाइम में आपको कमेंट करके हमें बताना है कि किस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं वन बाय वन सभी क्वेश्चन को। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट आप लोग जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। पहला प्रश्न, पुलिस विभाग में कुल कितने पद होते हैं? भैया जो पद है ना उनकी अगर बात करेंगे टोटल तो 16 पद होते हैं। ध्यान रखना कितना, 16 पद होते हैं, तो ये चीज़ भी आपका ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, 16 पदों को तो यहाँ पे बताया नहीं जा सकता, जैसे कि DGP हो गए, IG हो गए, SP हो गए, और आपका जो है ASP, DSP, SI, ASI, कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, सीनियर कॉन्स्टेबल, पुलिस, इस तरह से कई सारे आपके पद रहते हैं, ठीक है, IG, DIG, ADGP, तो ऐसे आपके 16 पद टोटल हो जाते हैं। बाकी आप कहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिख दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और इसका भी आप लोग उत्तर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं टाइमर को नीचे लगा देता हूं, टाइम आपका कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है, अगेन टाइम शुरू हो गया है। चलिए, पुलिस महकमे का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो भैया जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। देखो, सबसे जो बड़ा अधिकारी होता है पुलिस महानिदेशक होता है, जिसको कहते हैं DGP। DGP सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अगर बात करें सबसे छोटे वाले की, जो सबसे छोटा पद है पुलिस में वो कौन सा है, कॉन्स्टेबल का है सबसे छोटा पद, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, कौन है, कॉन्स्टेबल का सबसे छोटा पद होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर, जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। किसे जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, मतलब किसी जिले का जो है सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है भाई, इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो आपका सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, यानी जिसको कहते हैं SP, ये आपका जिले में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आपका बी आंसर आपका सही हो जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और SO यानी सीनियर ऑफिसर जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो आपका कौन है भैया, SO जो होता है वो थाने में सबसे बड़ा होता है, ठीक है, थाने में जो है सबसे बड़ा पर्सन कौन होता है, तो SO होता है, सीनियर ऑफिसर जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न, और यहाँ पे बढ़ेंगे आगे और देखेंगे यहाँ पे वन बाय वन सभी प्रश्न को। तो चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए इसका आंसर सही क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? पहला वाला भी आपसे पूछ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल करंट वाला ही पूछे, पहला भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे पहला आपको ध्यान रखना है कौन बने थे, तो लाहिरी जी बने थे, ठीक है, पहले जो आपके DIG यहाँ पे DGP बने थे वो कौन बने थे, लाहिरी जी बने थे। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो है प्रशांत कुमार हैं, ठीक है, ध्यान रखना है वर्तमान में जो है प्रशांत कुमार हैं, ये कब है, करंट में है, यानी वर्तमान में है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, 2024 जिसको कहेंगे, 23-24 समय। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न स्क्रीन पर, और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा 23 नवंबर को मनाया जाता है, कौन, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि 19 यहाँ पे आपका 23 नवंबर 1952 को यहाँ पे क्या किया गया था कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसको पुलिस फ्लैग दिया गया था, ठीक है, जिसमें आपका देखते होंगे एक साइड जो आपका ब्लू रहता है और एक साइड जो है आपका रेड रहता है, दो कलर आपके देखने को मिल जाते हैं, और जो पुलिस का सिंबल है उसमें भैया आपको देखने को मिलता है मछली, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कई सारी चीज़ों का। पराक्रम दिवस आपको 23 जनवरी को मनाया जाता है, 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, और यहाँ पे जवाब करेंगे फटाफट कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं? तो भैया जनक कहा जाता है लॉर्ड कार्नवालिस को, पुलिस प्रशासन में जो अपने इंडिया में है जनक किसको कहा जाता है, तो 1786 में इनके द्वारा जो स्थापना की गई, जब ये बनते हैं वायसराय तो इनके द्वारा यहाँ पे स्थापना की गई, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते थे, ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। अगला भैया देखो क्वेश्चन का है, वर्ष 2023 के लिए बेस्ट पुलिस स्टेशन का पुरस्कार किसे दिया गया? तो पुरस्कार किसको दिया गया, जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है, बेस्ट थाना, सबसे बढ़िया थाना कौन है, अस्का पुलिस थाना, गंजम जिला, उड़ीसा में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ये आपका हमने करंट का क्वेश्चन भी इसमें शामिल कर लिया है। आगे है अगला क्वेश्चन, देखिए और इसका उत्तर करेंगे। भारतीय दंड संहिता का प्रावधान किस देश से है? तो भारतीय दंड संहिता की बात की जा रही है, यानी IPC की बात की जा रही है, इंडियन पिनल कोड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमारा एक किस देश से लिया गया है, तो यहाँ पे लिया गया है यूनाइटेड किंगडम, यानी जहाँ से हमारे कह सकते हैं अंग्रेज जो आए थे, तो वही लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा ही इसको शुरू किया गया था, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कार्नवालिस,
ठीक है, तो पुलिस प्रशासन व्यवस्था का जो जनक है उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। और ये कहाँ से आया, यूनाइटेड किंगडम में। कुछ हमारे जो पड़ोसी देश हैं, आप आज तो हमारे पूरे भारत में जो है पीसी लागू है, ये भी ध्यान रखना है। 2019 से पहले क्या होता था, 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में नहीं लागू रहती थी, लेकिन अब लागू है क्या कि जो हमारे पड़ोसी देश है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, इन देशों में भी क्या है, हमारे लगी हुई है क्या आईपीसी, थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी लगभग जो है ऐसे ही सेम है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न स्क्रीन पर और यहाँ पे उत्तर करेंगे आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा। 1 अप्रैल 1974 को किसकी स्वीकृति के उपरांत देश में दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई थी। देखो, 26 जनवरी 1974 को स्वीकृति प्रदान की गई, लेकिन किसकी स्वीकृति थी भैया, प्रेसिडेंट की, यानी प्रेसिडेंट ने परमिशन दे दिया कि देश में जो है आईपीसी यानी लगा सकते हो, तो इस चीज़ की बात की जा रही है। लेकिन इसको लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 1974 को, किसके अनुमति पे, राष्ट्रपति की अनुमति कब दिया, 26 जनवरी 1974 को, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और हम बढ़ेंगे आखिरी पर, हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल लिया था, तो अभी आपका आखिरी प्रश्न है और इसका जवाब हमें करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। कह रहा कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं, पुलिस जो होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं आरक्षी, ठीक है, आरक्षक भी कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आरक्षक भी वो दे सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आपके सभी प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको कुछ और रिलेटेड मतलब वीडियो चाहिए तो उनको हमें कमेंट करेंगे, तो मैं उस पर भी कोशिश करूँगा कि वीडियोज आपको अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी देखते रहिए फाइनल एग्जाम सर, PDF इसका टेलीग्राम पर मिलेगा, तो वहाँ पर जुड़े ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। थैंक यू।